इसराइल हमास युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट का लाल सागर अमेरिका के करोड़ों डॉलर के ड्रोन्स का कब्रिस्तान बन गया है। जी हाँ, लाल सागर के ऊपर अमेरिका का जो भी ड्रोन उड़ान भरता है वो वहीं दफन हो जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि हालिया दिनों में हुए हूती के हमले इस बात के गवाह हैं, जिनमें अमेरिका के वो MQ-9 रीपर ड्रोन, जिन्हें दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है, और जैसे ही वो लाल सागर के ऊपर उड़ान भरते हैं वैसे ही हूती की मिसाइलें उनका शिकार कर लेती हैं। अब इसी कड़ी में हूती ने एक बार फिर से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन का शिकार किया है। हूती ने इस हमले की कुछ फुटेज भी जारी की है, जिसमें अमेरिकी ड्रोन पर कथित हमला होता हुआ दिख रहा है। हूती का कहना है कि उसने इस ड्रोन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल दागी थी। ये ड्रोन यमन के केंद्रीय प्रांत मारीब में उड़ान भर रहा था, और बड़ी बात यह है कि मई 2024 में अमेरिका का ये तीसरा ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया है। आपको बता दें कि इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर याह्या सारी का भी बयान सामने आया है। نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 أثناء تنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، وقد تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط بعد قليل بإذن الله. वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस यानी AP ने हूती द्वारा जारी की गई तस्वीरों का विश्लेषण किया है, जिसमें पता चलता है कि अमेरिकी ड्रोन का सीना और पेट रेगिस्तान में पड़ा हुआ है। उसकी पूंछ अन्य हिस्से से अलग हो चुकी है और ड्रोन का कम से कम एक हैच को वहां उतारने के बाद खोला गया था। हालांकि ड्रोन बिना किसी स्पष्ट विस्फोट क्षति में दिख रहा है, यानी कि इसमें कोई धमाका नहीं हुआ है। न्यूज एजेंसी AP का कहना है कि ड्रोन में किसी भी तरह की कोई निशानी या मार्किंग नजर नहीं आ रही है। वहीं इस हमले को लेकर नाम ना जाहिर करने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने AP से कहा, अमेरिकी वायुसेना ने ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं खोया है जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जिम्मेदारी वाले इलाके में ऑपरेट कर रहा था। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि CIA ने यमन के ऊपर रीपर ड्रोन उड़ाए हैं, जिससे युद्ध पर नजर रखी जा सके, और अरब प्रायद्वीप में अलकायदा के खिलाफ अपने अभियान में भी रीपर ड्रोन उड़ाए हैं, जो यमन के आतंकी संगठन के स्थानीय सहयोगी हैं। हालांकि CIA ने इस हमले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि CIA ने इस हमले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि हूती ने रीपर ड्रोन को जहां मार गिराया है वो मारीब प्रांत यमन की राजधानी सना से करीब 120 किलोमीटर दूर है। ये एक खाली रेगिस्तान के किनारे पर बसा इलाका है, और इस इलाके में हूती ने पहले भी अमेरिकी ड्रोन को गिराया था, क्योंकि ये इलाका वर्षों से चले आ रहे युद्ध के नतीजों के लिए बेहद ही अहम है। लेकिन हूती द्वारा रीपर ड्रोन को मार गिराना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले 9 महीने में अमेरिका का ये छठवां MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया है। अमेरिका के एक रीपर ड्रोन की कीमत करीब 3 करोड़ डॉलर है। ये ड्रोन करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, और इसकी उड़ान भरने की क्षमता करीब 24 घंटे तक है।